आदिवादी के साथ पिक्चर भी तुम्हारे पैरा होने वाले पिक्चर है हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द प्रीतिस फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। तो आज है संडे और आज मैं आपके साथ अपना संडे शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ पे ये पुराना जो है लैपटॉप रखा हुआ था हस्बैंड का, ये उस टाइम का लैपटॉप है जब इन्होंने अपनी सैलरी से और अपने जो है बिजनेस जब इन्होंने स्टार्ट किया था उस टाइम इन्होंने ये पहला लैपटॉप यूके में लिया था। ये डेल का है और ये कुछ बंद पड़ा हुआ है, इसमें बहुत सारी मेमोरीज़ कैद हैं, वो कैसे निकलेंगी नहीं पता, तो दिखाना पड़ेगा कुछ होगा इसका मेमोरी सिस्टम तो शायद वही निकाल सकें हम। तो यस, ये बहुत पुराना लैपटॉप है और इससे बहुत सी यादें भी जुड़ी हुई हैं। उनकी मेहनत की कमाई का फर्स्ट कुछ उन्होंने लिया था अपने लिए, वो भी बिजनेस के पर्पस से। और यहाँ पर आज जो है इंडिया का फाइनल हो रहा है वर्ल्ड कप, सो हम हारेंगे नहीं तो हमें जीत का महत्व तो कैसे पता चलेगा। लाइफ में भी यही है रूल्स। तो दोनों टीम अच्छा खेली, जो अच्छा खेला वो जीता। और उस दिन हमारा दिन नहीं था, कोई बात नहीं है, हमने इतने सारे जीत हासिल किए हैं, एक हार के लिए उनके उस जो है जीत को नहीं भुलाना चाहिए ना। तो हमने उस दिन को भी सेलिब्रेट किया, उस शाम को हमने अच्छे से सेलिब्रेशन भी किया, अभी आप आगे देखेंगे ही। तो यस, उसके बाद फिर यहाँ ब्रेक हुआ, बॉलिंग होने के मतलब टाइम आया, तो मैं फिर 15 मिनट का वही ब्रेक मिला तो मैंने कहा सबके लिए जो है कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि सब अभी फिर टीवी के आगे ही बैठने वाले हैं। तो आज मैंने प्याज का पराठा बनाया और कुछ नहीं बनाया इसके साथ में, फ्रिज में कुछ सब्जी बची पड़ी थी, कुछ खीर रखा हुआ था और चटनी थी, तमाम चीज़ें थी। तो हमने कहा इसी को खा पी के ख़त्म करना है, आज फ्रिज खाली करना है। तो बस सिर्फ प्याज का पराठा बनाया और किसी ने जो है खीर से खाया, किसी ने चटनी से खाया, किसी ने कुछ जैम से खाया, जिसका जिससे मन हुआ, किसी ने सब्जी से खाया। तो हम सब ने सब ऐसे मिल बांट के सब मतलब खाए और हमारा संडे ऐसे ही बीता। पूरा दिन कुछ और भी रिकॉर्ड नहीं किया, थोड़े से कपड़े बचे थे वो भी बैठे बैठे मैंने वहीं निपटाए हैं और बस हमने पूरे दिन क्रिकेट एंजॉय किया। तो बस यहाँ मेरा पराठा बन गया है और आप देख ही सकते हैं कि सारे छोटे बड़े सब का जो है निगाह बिल्कुल टीवी पर ही है। जब इंडिया खेले और क्रिकेट आए तो भला जो है कोई कैसे कुछ और काम कर सकता है, कुछ यही क्रेजीनेस होती है वह जो है क्रिकेट देखने पर। पूरे टूर्नामेंट हमने नहीं देखा है, ये वर्ल्ड कप का जो टूर्नामेंट हो रहा था हमने नहीं देखा है, बट आज फाइनल था तो पता नहीं, वो भी हस्बैंड ने लगा दिया सुबह सुबह आने के टाइम पर मैच, तो बस देख लिया सबने वही बैठकर। अदरवाइज़ फिर कभी मूवी लग जाती है, कभी बच्चों का ही चलता रहता है, हमें देखने का टाइम ही नहीं मिलता कुछ। लेकिन नॉर्मली हम लोग वर्ल्ड कप देख लेते थे, लेकिन जब से स्काई वगैरह हटाया तब से हमने बिल्कुल बंद कर दिया, कुछ भी नहीं देखते हैं। स्काई हमने हटवा दिया था बहुत पहले ही, केवल नेटफ्लिक्स और हमने अमेज़ॉन प्राइम ले रखा है, तो डिलीवरी वगैरह के लिए प्राइम लेना पड़ता है, अदरवाइज़ हमारा तो नेटफ्लिक्स और ये भी देखने का बिल्कुल से ही टाइम नहीं मिलता है, टाइम बहुत बिजी जाता है। बस यही कहिए कि लकली मैं जो है अब वीकेंड में काम नहीं करती हूँ, मैं जॉब पे नहीं रहती, तो थोड़ा सा टाइम जो है हम स्पेंड कर लेते हैं अपने बच्चों के साथ में बैठ के, इनको भी तो 2 दिन हमारा टाइम चाहिए ही होता है, तो पूरा पूरा इनको हम टाइम देते हैं वीकेंड में और सारे फैमिली के साथ अच्छे से इंजॉय करते हैं। जो भी हमारा अपना टीवी टाइम है या कुछ भी है, कुकिंग शुकिंग कुछ भी स्पेशल या कुछ स्पेशल काम ही करना होता है तो अच्छे से हो जाता है जब से मैंने वीकेंड जॉब बंद किया। कभी कभी ही जाती हूँ जब उनको ज़रूरत पड़ती है मेरी, वो बुलाते हैं तो मैं ना नहीं कर पाती हूँ अपने आदतन, बस कि मेरी आदत नहीं है
किसी को ना करने की, और बस मैं उनकी हेल्प के लिए चली जाती हूँ। थोड़ा पैसा भी बन जाता है, दोनों काम हो जाता है, तो एक पंथ दो काज हो जाते हैं। तो सुना आपने, रामकृष्ण भी इंडिया को अपनी ही लैंग्वेज में चेस कर रहे हैं। और जब प्रियंका छोटी थी तो प्रियंका कहती थी कनान इंडिया, यानी कि वो कमॉन नहीं कह पाती थी तो वो कनान बोलती थी। पहले हम लोग क्रिकेट्स वगैरह ज़्यादा देखते थे, लेकिन जब से जिम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ी, टाइम भी नहीं मिलता किसी को, तो फिर अभी इस टूर्नामेंट को तो हमने एक दिन भी नहीं इंजॉय किया। और बस यहाँ पर ये देखिए, हमारा धोबी घाट भी खुला हुआ है। और मैं हस्बैंड से पूछ रही थी कि भाई ये एक ही हफ्ते का कपड़ा है, तो बोल रहे थे कि हाँ, दिखने में तो एक ही हफ्ते का लग रहा है, क्योंकि एक ही हफ्ते का भी दिवाली के बाद से ही है, क्योंकि दिवाली में तो सब हमने क्लीन ही करा था, तो कुछ बचा ही नहीं था ऐसे। बट रोज़ ही रोज़ बच्चों के निकलते हैं, तो यहाँ पर जो कपड़े फोल्ड होने हैं वो फोल्ड होके मैं रख दूँगी, जो प्रेस में जाने हैं वो भी अलग कर दूँगी। उसके बाद फिर ये कुछ पालक बचा हुआ था फ्रिज के अंदर, तो ख़राब हो जाता, तो हमने कहा चलो आज डिनर में यही बना लेते हैं। तो पालक और प्याज की पकौड़ी बनाई, थोड़े से वेजिटेबल्स भी रखे थे। गोभी आपको याद होगा मैंने बनाया था उस दिन, तो काफ़ी बड़ी गोभी थी, तो आधा बनाया था और आधा रख दिया था। तो गोभी और ब्रोकली इन सब का हमने पकौड़ी बनाए, और बच्चों के लिए जो है चिप्स बना दिया था आलू का, पतले पतले स्लाइस काट के। सबको अच्छे लगते हैं वो आलू वाले, तो हम लोग भी खाते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे ही केवल खाते हैं। बच्चों के लिए भी बनाया हमने, अपने लिए भी बनाया, और डिनर में बस यही बना और कुछ नहीं बना। तो हस्बैंड ने पहले बोला कि चाय नहीं पियेंगे, तो चाय नहीं चढ़ाया था, बोले थे कि हम कोल्ड ड्रिंक के साथ ले लेंगे, चाय रहने दो वरना फिर रात में है नींद नहीं आएगी चाय पीने के बाद। तो चाय नहीं बनाया था, और बाद में फिर चाय का मूड बन गया, क्योंकि चाय पीने के बाद फिर हमने मूवी भी देखी। बच्चे तो चले गए थे सोने, क्योंकि नेक्स्ट डे उनका स्कूल था, तो बच्चों को तो भेज दिया, लेकिन हम दोनों ने बैठ के फिर थोड़ी देर तक मूवी देखी। और मूवी में हमने OMG 2 देखी है, 15+ था तो बच्चों के साथ नहीं देख सकते थे, ऐसा भी कुछ नहीं है, शिवांश के साथ नहीं देख सकते, बट स्कूल था नेक्स्ट डे, तो प्रियंका को भी अलाउ नहीं था कि वो बैठे। वैसे भी प्रियंका को इस समय उसके क्लास में हर चीज़ें पढ़ाई ही जा रही हैं, तो शी इज़ नो वेरी वेल एवरी थिंग्स नाउ। मैं इस मूवी में कुछ भी बैड नहीं समझूंगी, क्योंकि ये एजुकेशनल मूवी है, तो अगर आप इतने खुले दिमाग के हों तो आप बच्चों के साथ अपने बैठ सकते हैं। यदि वो बच्चा आपका टीनेजर्स है, पढ़ने वाला है, आजकल हर चीज़ें पढ़ाई ही जा रही हैं, और ये एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी भी है। हमारे समाज में बहुत ही कुरीतियाँ फैल गई हैं, इन सब की जानकारी आजकल होना चाहिए। और ख़ासकर अक्षय कुमार इस तरीके से मूवियाँ बनाते हैं तो मुझे अच्छी लगती हैं, एटलीस्ट कम से कम इसी बहाने आंखें खुले लोगों की। और मूवी के लास्ट में कुछ हमें जानकारियां भी हुई हैं, जो कि शायद हमें जानकारी नहीं था, या था समय के साथ हम भूल गए थे इस बात को। तो मूवी बहुत अच्छी है, आप लोग भी अगर कंफर्टेबल हों फैमिली के साथ देखने में तो आप देख सकते हैं, कुछ भी ऐसा बैड नहीं है इसमें। मैं यही कहूंगी, मैं रिकमेंड करूंगी कि एक बार आप लोग भी देखिएगा इस मूवी को।
यहाँ ये प्याज और इसकी पालक की भी बना के रख दिया है अलग से, और सब चीज़ों का तैयारी कर लिया है। यहाँ थोड़ा बैटर मैंने गाढ़ा भी रख छोड़ा है, इसमें थोड़ा पानी मिला के पतला कर दूंगी ये ब्रोकली वगैरह छानने के लिए। पहले बच्चों को ये वाला पालक वाला बनाकर और आलू वाला दे दूंगी कि वो खाएं, हस्बैंड को और बच्चों को दे दूंगी। हम गृहणिया का नंबर बाद में ही आता है, हमारे तो बनाने से ही मतलब उसकी टेस्ट वैसे ही मिल जाते हैं, स्मेल से ही पेट भर जाता है कि फिर खाने का मन ही कहाँ करता है। तो थोड़ा बहुत बाद में फिर मैंने लिया, लेकिन उसमें से भी छोड़ ही दिया, नहीं खा पाई, जस्ट चाय मैंने पिया और थोड़ा सा खाया बस। और दूसरे बच्चे के बाद, ऑपरेशन के बाद से ही मुझे कोई चीज़ डाइजेस्ट भी नहीं होता है, मैं इतना तला भुना नहीं खा सकती हूँ डेली डेली वाला। और पिछले कुछ जैसे दिवाली टाइम से ही ऐसे ही चल रहा है ना, तो मैं तो ये सारी चीज़ें बहुत कम ही खाती हूँ, कभी कभार ही बनता है हमारे यहाँ तो। और बस तीसरी बार भी यही हुआ, इस बार तो बहुत ज़्यादा ही कुछ भी नहीं हजम होता मुझको, थोड़ा भी मेरे अगर तेल ज़्यादा हो गया खाने पीने में, घी वगैरह, तो मेरा पेट खराब हो जाता है, डाइजेस्टिंग प्रॉब्लम थोड़ी होने लग गई। कैसा है? ये है क्या? है क्या? इसमें ऑनियन भी पड़ा है और स्पेनिश भी पड़ा है। हाँ। बहुत अच्छा है। अच्छा है। वेरी नाइस। शिवांश। हर पल को सेलिब्रेट करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया जीती तो क्या हुआ? पकौड़ी से स्वागत करो। ऑस्ट्रेलिया वालों का। एवरी मोमेंट सेलिब्रेट करो। वो देखो वो भी खा रहा है। हारे तो क्या हुआ, फिर भी सेलिब्रेट। लो ये सो गया, एक सो गया तकिया वकिया लेके अपना। ये लो खाओ। कैसा है? ये लो खाओ। इनका कैसा है? हेलो वेरी गुड। जाओ उसके अंदर से वो निकाल लो। जूस होगा। फ्रूटी होगा। फ्रूटी कट हो बता। क्रिस्पी है। या इट्स वेरी नाइस। फ्रूटी बचा है? फ्रूटी नहीं, सब पी गए फ्रूटी पूरा पूरा, वो पैकेट भर पूरा, वो कैन कैन कर रहे हैं। जितने जितने कै थे, 12 थे उसमें, कै थे 6। हाँ सब खत्म। चाय बनाए? चाय 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 लाओ। चाय नहीं बना है। तो उसके बाद चाय की फरमाइश हो ही गई बाद में, तो फिर शिवांश यहाँ मेरी हेल्प करने आया है। चाय बनाएगा शिवांश, और यहाँ मैं ये गोभी वाली पकौड़ियाँ भी बना लेती हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं इसी के साथ एंड करती हूँ, आपसे लेती हूँ विदा। आशा करती हूँ ये संडे ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और आपसे मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए, और जिस जब ये आपको ब्लॉग मिलेगा उस दिन होगी छठ पूजा। तो बिहार में, हमारे मतलब बिहार साइड में अयोध्या में भी बहुत धूमधाम से आज की ये पूजा मनाई जाती। हम लोगों के यहाँ नहीं मनाई जाती, बट बिहार में बहुत बड़ा उत्सव होता है, ये मेन फेस्टिवल होता है बिहार का। तो आप सभी को, जो लोग भी छठ पूजा मनाते हों, व्रत रखते हों, उन सभी को छठी मैया जो है बहुत 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 आशीर्वाद दें, खुश रखें। छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। सभी को राम राम।
आज की चाय शिवांश ने बनाई है। यस, कैसे 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 बनाया सबको बता दो। So we got that and then we got a cup. We put some water inside the cup and poured it inside the bowl because that's how much you need to put it on. Then we put the stove on. That's all I remember. पता रही, जिसको समझ में आया हो भाई वो भी समझ लेना, जिसे ना समझ में आया हो वो भी समझ लेना। I'll get used to it. Yes. You used to it, then you're going to explain. Good. इनका देख लो, कप टॉवल ओवल गिरा गए हैं, ले आए हैं प्लेट। खत्म, फिनिश।